आपके पैर में गोली लगी है, आगरा से आपको खबर बता रहे हैं। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ है युवक। संदिग्ध परिस्थिति में युवक के पैर में गोली लगी है। दबंगों पर रंजिशन गोली मारने का परिजनों ने आरोप लगाया है। युवक के गोली लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों की मदद से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है युवक को। बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। थानाबाह क्षेत्र के अंतर्गत का मामला बताया जा रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक के पैर में गोली लगी है। अच्छा, क्या घटना हुई है? ये घटना है, वो पप्पू ने औरों से के लड़के ने गोली मार दी है जी। अच्छा, गोली क्यों मार दी, क्या कारण था? रंजिश चल रही थी पुरानी। अच्छा, किस चीज़ को लेके रंजिश, किस चीज़ को लेके चल रही थी? कहीं घरवाली पे फोन करता था वो ये लोग। अच्छा, उसी के पीछे रंजिश। राजधानी लखनऊ में कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला को कुत्ते ने पैर में काटा। महिला बुरी तरह से जख्मी हुई है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। सृष्टि अपार्टमेंट परिसर में आवारा कुत्तों का जमावड़ा है। जानकीपुरम सेक्टर जो स्थित सृष्टि अपार्टमेंट का मामला बताया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। महिला को कुत्तों ने पैर में काटा, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। बता दें, सृष्टि अपार्टमेंट का पूरा मामला है। कुत्ते के काटने से महिला जख्मी हुई। बता दें, सृष्टि अपार्टमेंट परिसर में कुत्तों का जमावड़ा देख जानकीपुरम सेक्टर जो स्थित सृष्टि अपार्टमेंट का पूरा मामला है। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोग पहुंचे मेला प्रांगण। कानपुर से आपको खबर बता रहे। मेला परिसर में पुलिस प्रशासन गायब दिखा। सरकार ने ट्रैक्टर ट्रॉली से सवारियों को बैठाने में बैन लगाया था। जान जोखिम में डालकर यात्री नहीं हो रहे हैं जागरूक। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। सजेती थाना क्षेत्र के बदले सुल्तानपुर का मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, सरकार के मना करने के बाद भी ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोग सवारी बैठा रहे हैं, मेले में पहुंचे हैं भारी संख्या में लोग ट्रॉली में बैठकर, क्या कुछ पूरा मामला है? अभी कुछ महीने पहले साल में घटना हुई, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, जिसमें 26 लोग की मौत हुई थी। वो एक बहुत नई घटना थी। उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिला प्रशासन को आदेश दिया गया था कि ट्रैक्टर ट्राली उस सवारी ट्राली नहीं बनाई जाएगी। और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी लापरवाही। इससे पहले भी घाटमपुर में जाते हुए लोग हाईवे पर दिखे ट्रैक्टर ट्राली बैठे हुए, फिर भी देखा जाए कहीं ना कहीं पुलिस जाता है, ट्राफिक जो लगा हुआ है वो पूरी तरीके से निष्क्रिय है, क्योंकि देखा तो ये उनके सामने से एक बड़ी चूक है। और अगर क्या ये हादसा के लिए इंतजार करेगा दोबारा ट्रैक्टर ट्राली? और देखा जाए तो वीडियो के माध्यम से साफ दिख रहा है कि ट्रैक्टर ट्राली में लगभग 50-60 लोग बैठे हुए हैं और किसी अनहोनी की घटना की क्या इंतजार कर रहा है जिला प्रशासन का अनुरोध जी। धन्यवाद उपेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। दलित बेटी की शादी में दबंगों का तांडव देखने को मिला है। कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं। लाठी डंडे से शादी में आए लोगों पर हमला किया। बता दें, सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है। राजपुर थाना क्षेत्र के राज गेस्ट हाउस का पूरा मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, दलित बेटी की शादी में दबंगों का तांडव देखने को मिला है, क्या वजह रही दबंगों द्वारा आतंक फैलाने का, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, आपको बता चले जो दबंग वीडियो वायरल हो रहा है दलित बिटिया की शादी का, देखा है तो सीसीटीवी फुटेज में दबंग दबंगई कर रहे हैं।
पूरी तरीके से राजपुर थाने का पूरा मामला है, और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा है तो इसमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है या पता कहा जाए कि अगर जो थाना प्रशासन थाना से जानकारी दी है कि इसमें कहीं ना कहीं देखा है तो पुरानी रंजिश चली आ रही है इसमें, और जो कि जमीनी विवाद था उस विवाद को लेकर के उन्होंने दबंग में जो दलित बिटिया थी उसकी शादी में पथराव किया है और बवाल किया है, और देखा है तो कहीं ना कहीं साफ साफ पर कहीं ना कहीं देखा है तो दलित बिटिया जो है वो थाने में तहरी दी गई, दबंगों के खिलाफ मुकदमा पंजीबी चलेगा, चिन्हित जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। जी धन्यवाद उपेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। सीरियल किलर भाइयों को 7-7 साल की कैद हुई है। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सलीम सोहराब रुस्तम को 7 साल की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर लखनऊ से, 7 साल सजा के साथ 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। किलर से विख्यात तीनों सगे भाई हैं जिनको 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर लखनऊ से है, गैंगस्टर के मामले में अदालत ने सजा सुनाई है। किलर भाइयों को 7-7 साल की कैद हुई है, लखनऊ से खबर। सलीम सोहराब रुस्तम को 7 साल की सजा सुनाई गई है। बता दें साथ ही 7 साल सजा के साथ 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। सीरियल किलर से विख्यात तीनों सगे भाई हैं। गैंगस्टर के मामले में अदालत ने सजा सुनाई है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।